धामी जहाँ पहुँचते हैं, श्री धामी जहाँ पहुँचते हैं मुख्यमंत्री, क्या सारे मंत्री वहीं रहते हैं? ये सवाल जरा उनसे भी पूछ के देखिए। उत्तराखंड में भी माणा से प्रदेश अध्यक्ष यात्रा का, क्योंकि और मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये भी बड़े मुद्दे हैं। एक तो गन्ने के दाम घोषित करें, गन्ने का खरीद मूल्य राज्य सरकार घोषित करे, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कुछ बढ़ोतरी की है, और दुनिया में इस समय चीनी के मूल्य लगातार बढ़ी से कर रही है। मैंने सब लोगों से अपील की है कि उसमें सम्मिलित हों, और मैं भी नवंबर में 4 दिन उधर हेड़ी से जो है पदयात्रा करूँगा। और दो मुद्दे और जो मैंने उठाए हैं यहाँ, एक तो गन्ने का खरीद मूल्य सरकार ने अभी घोषित नहीं किया है, और पिराई सत्र प्रारंभ हो चुका है, इस अनिश्चय को समाप्त करें। और जिस तरीके से इस बार केंद्र सरकार ने कुछ मूल्य बढ़ाया है, और देश और दुनिया में चीनी की मांग बढ़ी है, उसका लाभ उत्तराखंड के किसानों को भी मिलना चाहिए, और इसके मूल्य को 400 के करीब नहीं लाएं। ये दूसरी बात, यहाँ की जो आंतरिक सड़कें हैं वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई हैं, जिनमें उधर भोगपुर वाली सड़क तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रही है, रानीपुर से बंदरजूड़ बिहारीगढ़ वाली सड़क भी, बंदरजूड़ से कलियर वाली सड़क भी, और कलियर को ये जोड़ने वाली रुड़की वाली जो आंतरिक सड़क है, ये सड़क भी बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। मंगलौर से झबरेड़ा वाली सड़क ध्वस्त पड़ी है। मतलब चारों का आंतरिक जितनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं सब बड़ी बुरी हालत में हैं, इनको ठीक करें। ये तो किसी ने नहीं कहा, किसी कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम भाजपा जैसे एकमुखी नहीं है, बहुमुखी पर हम तो बहुदलीय प्रणाली में विश्वास रखने वाले हैं। हमारी हम जिस तरीके से भारत जो है बहुलवादी है, हम बहुलवादी सिद्धांत वाले, कार्यक्रम है आप सब नेता एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं यदि हमारे 20 नेता हैं, 20 में से 15 भी इकट्ठे हुए तो आप तो 5 को लेकर के बैठ जाते हैं, आपके लिए न्यूज हो सकती है, लेकिन ये किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है कि सब लोग एक जगह आए। क्या धामी जहाँ पहुँचते हैं, श्री धामी जहाँ पहुँचते हैं मुख्यमंत्री, क्या सारे मंत्री वहीं रहते हैं? ये सवाल जरा उनसे भी पूछ के देखिए। पार्टी से कर रही है, मैंने सब लोगों से अपील की है कि उसमें सम्मिलित हों, और मैं भी नवंबर में 4 दिन उधर हेड़ी से जो है पदयात्रा करूँगा। और दो मुद्दे और जो मैंने उठाए हैं यहाँ, एक तो गन्ने का खरीद मूल्य सरकार ने अभी घोषित नहीं किया है, और पिराई सत्र प्रारंभ हो चुका है, इस अनिश्चय को समाप्त करें। और जिस तरीके से इस बार केंद्र सरकार ने कुछ मूल्य बढ़ाया है, और देश और दुनिया में चीनी की मांग बढ़ी है, उसका लाभ उत्तराखंड के किसानों को भी मिलना चाहिए, और इसके मूल्य को 400 के करीब नहीं लाएं। ये दूसरी बात, यहाँ की जो आंतरिक सड़कें हैं वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई हैं, जिनमें उधर भोगपुर वाली सड़क तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रही है, रानीपुर से बंदरजूड़ बिहारीगढ़ वाली सड़क भी, बंदरजूड़ से कलियर वाली सड़क भी, और कलियर को ये जोड़ने वाली रुड़की वाली जो आंतरिक सड़क है, ये सड़क भी बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। मंगलौर से झबरेड़ा वाली सड़क ध्वस्त पड़ी है। मतलब चारों का आंतरिक जितनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं सब बड़ी बुरी हालत में हैं, इनको ठीक करें। ये तो किसी ने नहीं कहा, किसी कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम भाजपा जैसे एकमुखी नहीं है, बहुमुखी पर हम तो बहुदलीय प्रणाली में विश्वास रखने वाले हैं। हमारी हम जिस तरीके से भारत जो है बहुलवादी है, हम बहुलवादी सिद्धांत वाले, जो भी
कार्यक्रम है, आप सब नेता एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं यदि हमारे 20 नेता हैं, 20 में से 15 भी इकट्ठे हुए तो आप तो 5 को लेकर के बैठ जाते हैं, आपके लिए न्यूज हो सकती है, लेकिन ये किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है कि सब लोग एक जगह आए। क्या धामी जहाँ पहुँचते हैं, श्री धामी जहाँ पहुँचते हैं मुख्यमंत्री, क्या सारे मंत्री वहीं रहते हैं? ये सवाल जरा उनसे भी पूछ के देखिए।